केस जानता हूँ जिसमें एक शख्स था, उसकी बीवी थी और वो नेचुरल माशाल्लाह अच्छी लाइफ थी, बच्चे भी थे, लेकिन वो शख्स क्या था, इसको पॉर्न की आदत थी और वो बीवी से अपनी नीड्स पूरी नहीं करता था और वो पॉर्न से अपनी नीड्स पूरी करता था। अल्टीमेटली उसकी तलाक हो गई और बीवी छोड़ दी। तो वो जब शेख के पास गया ना, शेख ने कहा कि व्हेन यू प्रेफर हराम अल्लाह विल टेक अवे हलाल फ्रॉम यू। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, यानी एक तो शादी जल्दी करें। हमारे यहाँ मैं हैरान होता हूँ, यानी यंगस्टर्स में ये बड़ी जो है आदत है कि शादी के झमेले में नहीं हम पढ़ना चाहते, ठीक है। तो वो अब देखें ना, सुभानअल्लाह, जब आप हलाल को ब्लॉक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं चीज़ तो आपकी वो एनर्जीज निकलेंगी कहीं ना कहीं, तो आप करोगे। हाँ सही बात यार, एक तरफ आप गर्लफ्रेंड रखने को बड़ा कूल समझते हैं और जिसके पास गर्लफ्रेंड है उसको स्टड समझ रहे हैं और गर्लफ्रेंड क्या जब वो उल्टे सीधे होते हैं, लेकिन जब आपको हलाल गर्लफ्रेंड मिल रही है आप उसको कह रहे हो कि ये ख्वारी है।